नमस्कार। एक प्रश्न है जो मुझे कई बार पूछा जाता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि वास्तु में मुख्य द्वार को, मेन डोर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर आने जाने के लिए कई द्वार होते हैं, तो उस अवस्था में ये प्रश्न आता है कि किसको मेन डोर माने। अब यहाँ पर इंडिया में तो ठीक है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाए तो कई जगहों पर गैरेज से ही लोग आते और जाते हैं। उस अवस्था में जो मुख्य, उस घरों में जो मेन डोर होता है वो तो सिर्फ गैस के लिए, आने जाने के लिए होता है। जो ओनर है वो तो गैरेज से ही आएंगे और जाएंगे, तो उस अवस्था में कौन से डोर को मेन डोर माने, ऐसा प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं मतम टीका में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आप जिस दरवाजे से सबसे अधिक बार आपके वास्तु के अंदर या बाहर आते जाते हो, वही दरवाजा आपका मुख्य द्वार माना जाएगा। आप मैं मतम टीका का सूत्र देखें, यस्मिन द्वारे सर्वाधिकम गमनागमनम भवति स मुख्य द्वारः स्यात्। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा प्रकाश में तो ऐसा स्पष्ट सूचन दिया गया कि जो आउटर वॉल में, आपके वास्तु के आउटर वॉल में जो द्वार है, और वैसा द्वार कि जो आउटर वॉल पर होते हुए उस द्वार से आप मैक्सिमम टाइम आते जाते हो उस वास्तु में, दैट मीन्स आपकी एंट्री और एग्जिट जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में होती है, वही डोर आपके वास्तु का मुख्य द्वार है। आप विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, प्रधानम यन महाद्वारम बाह्य भितुस्तु संस्थितम। सो मुझे आशा है कि इतनी समझ प्राप्त करने के बाद बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप आपके गैरेज से मैक्सिमम टाइम एंट्री या एग्जिट करते हो, तो आपके लिए जो गैरेज का डोर है वही डोर आपका मेन डोर हो जाएगा। जिस द्वार से हम मैक्सिमम टाइम उस वास्तु में आते और जाते हैं, वही द्वार वास्तु में मेन डोर माना गया है। शुभम भवतु, प्रणाम।